पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज 4,358 कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र दिए हैं और उनका कहना है कि ये लोग अब पंजाब में जाकर सेवा भावना के जरिए पंजाब के लोगों की सेवा करेंगे और जिससे इन्हें नौकरी भी मिलेगी और लोगों को सुरक्षा का एहसास भी हो सकेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसके अलावा भारत भूषण आशु, जिनके ऊपर करप्शन के बड़े बड़े आरोप लगे हैं, उन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल आशु को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वहां पर काफी हंगामा किया था, जिसे लेकर मान ने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अगर उन्हें डर नहीं है और कोई उन्होंने घपला नहीं किया है तो विजिलेंस से क्यों डर रहे हैं। जब DSP ने आशु से बात की थी तो ये फंकार बोल रहा था कि कोर्ट को बोल दो कि मंत्री नहीं मान रहा, अब इसकी खुद की बारी आई है तो आई है, तो इतना हो हल्ला क्यों किया जा रहा है। SHP पंजाब कांग्रेस के नेता और पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया, जिसके चलते पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने मोहाली विजिलेंस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। भारत भूषण आशु ने विजिलेंस को गिरफ्तारी की चुनौती दी, लेकिन उन्हें मोहाली में गिरफ्तार नहीं किया गया। लुधियाना पहुंचते ही आशु जब एक सैलून पर गए तो उसी समय पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद लुधियाना विजिलेंस ऑफिस के बाहर कांग्रेसियों ने धरना शुरू कर दिया। पूरे गलत, मैं जब तक भारत भूषण आशु बाहर नहीं आंदा मैं पानी दा घुट तक नहीं पीना। अपने भरा दे लई खड़े आ ते खड़े रहांगे। भारत भूषण आशु जिंदाबाद। असीं अपने भरा दे लई जिउंदे आ, अपने भरा दे लई मरांगे। ए आप सरकार ना मैं दस नहीं सकदी, औरत होके गंद नहीं बक सकदी। इस तो गंदी सरकार, इस सरकार ने की दिखाया? एक औरत छड़ के ब्याह करा लो दूजा। रूबिया सहित अपहरण केस में अगली सुनवाई अगले महीने होगी। रूबिया सहित अपहरण केस में 21 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। हालांकि रूबिया सहित आज सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुई। यासिन मलिक पर अपहरण का केस चल रहा है। कोर्ट ने रूबिया सहित के खिलाफ वारंट जारी किया है। रूबिया जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और महबूबा मुफ्ती की बहन है। हरियाणा बीजेपी की नेता और बिग बॉस फेम और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का निधन हो गया। उनका निधन सोमवार रात को गोवा में हुआ है। फोगाट की मौत की पुष्टि गोवा के DGP ने भी की है। सोनाली फोगाट भारत में बंद हो चुके चीनी ऐप टिकटॉक पर काफी लोकप्रिय हुई थी। सोनाली फोगाट ने पिछले हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वो हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट पर कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी थी। आपको बता दें 2016 में सोनाली फोगाट के पति संजय फोगाट भी हरियाणा के फार्म हाउस में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिले थे। कटरा वैष्णो देवी में आज सभी घोड़ा और पिट्ठू वाले हड़ताल पर चले गए। मजदूरों का आरोप है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से ये ठेका एक निजी कंपनी को सौंप दिया गया है और वो लोग अब प्रीपेड सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे तो हमारे लोग भूखे मर जाएंगे। आज सभी मजदूरों ने कटरा में रैली निकालकर बोर्ड और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जमकर प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में सोमवार को आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। आतंकी घाटी में अपने दहशत की फिराक में थे, लेकिन उनके मंसूबों पर चौकन्नी भारतीय सेना ने पानी फेर दिया। पुलिस और सेना ने मिलकर बारामूला में आतंकी अड्डे का पता लगाया और आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास हथियारों का जखीरा मिला है। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में 6 मैगजीन के साथ 3 AK-47 राइफल्स और गन्स बरामद की गई हैं। BSF ने जानकारी दी कि सीमा पार से हथियारों की तस्करी की जा रही है। फिरोजपुर में सिटी पुलिस स्टेशन के पास आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री को अपने कंट्रोल में लेकर जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा के लिहाज से पब्लिक को एरिया से दूर रखा जा रहा है। एंटी सेबोटाज टीम भी मौके पर पहुंचकर आगे की तफ्तीश शुरू कर चुकी है। We'll be right back.